विस्तार से आपको खबर बताएंगे। कहीं भेड़िया तो कहीं बाघ और कहीं तेंदुआ, खूनी पंजी का खौफ ऐसा कि यूपी के चार जिले सदमे में हैं। जगह जगह आदमखोर के डर से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो चले। गांव में दहशत के निशान को देखकर लोग टेंशन में हैं। रिपोर्ट में देखिए। जिले चार दहशत बरकरार। बहराइच में खुलेआम घूम रही मौत। लखीमपुर में आदमखोर बाघ का खौफ। अमरोहा में तेंदुए की दस्तक। बिजनौर में आखिरकार कैद में तेंदुआ। बहराइच में खूंखार भेड़ियों का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गांव के गांव दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग अकेले कहीं आने जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं। लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। सबको इसी बात का डर है कि कहीं आदमखोर भेड़िया दबे पांव आकर उन्हें अपना शिकार न बना ले। बीते 48 दिनों में भेड़ियों की दहशत कम नहीं हुई थी कि अब लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए की दहाड़ ने दस्तक दे दी है। यहां बीते 28 दिन में चार लोगों की जान चली गई है। बहराइच में भेड़ियों की तरह ही लखीमपुर खीरी में भी लगातार वन विभाग पिछले 3 दिनों से बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन की मदद से बाघ को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही 24 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जंगल से सटे इलाके में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है और बाघ को गन्ने की फसल में रहना अच्छा लगता है, और जब किसान फसल देखने जाता है तो वो बाघ के हमले का शिकार हो जाता है। उसके लिए हम लोग लगभग आसपास के गांव और इमलिया गांव मिला के 4 पिंजरे लगाए हैं और 2 ड्रोन हमेशा उड़ाई जा रही है ताकि उसके बाघ का लोकेशन ट्रेस हो सके। बाकी इसको छोड़ के लगभग 24 कैमरा लगाए हैं हमारे सीसीटीवी पर, जो कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं वो लगाए हैं। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखिए, ये देश है हमारा।